हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। देखो, आपको पता है हम 3 तारीख से विदिशा कथा में आए थे राजेश भैया के साथ में, और आपको ये भी बताया था हमने पिछली बार कि राजेश भैया ने बालू रेती के ट्रक खाली करने का ठेका लिया। तो पता चला कि जो बालू रेती का ट्रक हमने भरा था विदिशा से, और वो आके ने डायरेक्ट यहाँ पे कथा पांडाल में खाली हुआ। देखो ये, देखो आप देख सकते हो बालू रेती का ट्रक ये खाली हुआ है। और ये देखो, इससे क्या, हमने 3 तारीख को आए, 3 तारीख के दिन सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रक खाली करा। ट्रक खाली करने के बाद में जो रेती थी ऊपर भी चढ़ाई, देख सकते हो आप ऊपर छत डली हुई है, ये छत हमारे द्वारा चढ़ाई हुई रेती से ही। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे दीपक भाई का, जिसको कि दीपक भाई, अच्छा दीपक भाई, अच्छा तो अभी बाकी की रेती का क्या करना आपने, ये देख सकते हो आप बाकी की रेती का क्या करना अभी बताओ आप। बाकी की रेती ऊपर चढ़ाना है इस प्लास्टर के लिए। तो भैया, राजेश भैया ने पेमेंट कम देने की वजह से उनकी दाढ़ी के ऊपर भग गए है, तो इस कारण से हम नहीं चढ़ा पा रहे हैं। अब तो अनिकेत भैया ने दूसरा ठेका लिया है, तो हम अनिकेत भैया के साथ में काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो आज से पक्का हो गया आप राजेश भैया के साथ काम नहीं कर रहे हो फिर? नहीं कर रहे राजेश भैया के साथ। पक्का ना? तो फिर ये देखो, फिर आज से ये इतनी बालू रेती छोड़ दी है यहीं पे, कोई भी अब हाथ मत लगाना भैया इस बालू रेती को। ये बालू रेती का देख लो, कल बिछा, मतलब दे मान सकते यार 3 दिन में व्यक्ति ने कितनी बालू रेती चढ़ा दी है। ये देखो आप खुद ही देखो, ये इधर ये देख सकते हो। और फिर इसके बाद अब देखो, बचा है जो प्लास्टर का काम, वो अधूरा छोड़ के अभी रेती नहीं चढ़ाते हुए अभी मेरे साथ जा रहे हैं काम पे। चलो आओ, ले चलते हैं हम आपको आगे के काम की ओर, कि आज कौन सा क्या काम लिया हमने। चलो देखो, दीपक भाई करके भी बताएगा कैसे क्या काम करना है आज का। तो चलो अब हम बता रहे हैं आपको कि दीपक भाई क्या काम करेगा। चल भाई, दीपक भाई करेगा ना, तैयार है ना, तो इसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं तैयार है। देख भाई, देखो ये बताओ तो ईमानदारी से, राजेश भाई कितना पेमेंट दे रहे थे? देखो 300 रुपये दे रहे थे। 300 रुपये दे रहे थे, मैं तेको 350 दूंगा, ठीक है? हाँ, फिर कितना लेगा भाई? मैं तो देख, तू बोले तो चल ठीक है, दोनों 50-50 में कर लेंगे पार्टनरशिप में। पर मैं तेको खाली चढ़ाऊंगा टब, अभी बता रहा हूँ, ठीक है? मैं खाली टब चढ़ाऊंगा, बाकी तेको भरना भी तेको है और अंदर पटकना भी तेको है, ठीक है? मेरे से मत बोलना कि नहीं, 500 रुपये दूंगा बराबर, उसमें कोई दोहरा ही नहीं, ठीक है? और 2 बजे से कथा भी बजानी है अपने को, ठीक है? टाइम भी होने वाला कथा का, अभी जितना निपट रहा वैसे। खैर, तूने देख रहा हूँ मैं सुबह से बहुत मेहनत कर रहा है। तो अब देख अभी, ठीक है, तू रोटी वोटी खाने आया था, खाली तूने रोटी वोटी खा ली ना पेट भर? ठीक है, क्या क्या खाया आज तूने, बता दे सभी को। कड़ी रोटी खाई है। देख लो भैया, रोटी के भी है आले यहाँ पे। तो देखो अब हमारा भाई आपको आज का काम करके बताएगा। चल भाई बता। तो देखो अब हमारा भाई दीपक ये टब भर रहा है। देखो दीपक भाई, भर भर टब भर यार भाई, फटाफट यार, पटकना भी है या शुक्ला देख लो अब कल तक का। अभी भैया देखो, आज का दिन तो ठीक है, आज का तो टाइम हो गया, अब हम कल पटकेंगे बाकी का शुक्ला। और ये भाई ऐसे डेली भरता है शुक्ला है ये। अब देखो आगे, देखो क्या क्या प्रोसेस होती है ये भी देखो। अब आप देखो भैया, ये टब उठाया हमने और ये अब हम दोनों चले। मेरे को खाली तुकवाने की जवाबदारी मिली है बस, खाली खाली तुकवाना है मेरे को, बाकी जो घर में है वो घर में भरने का काम भी इसका ही, ऊपर से दबा दबा के भरेगा ये, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब चलो ठीक है, फिर आज का काम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर जय श्री श्याम, और फिर आगे हम आपको कल बताते कल क्या करते हैं हम, क्या नहीं करते, ठीक? जय श्री श्याम सभी को।